हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था इसका प्री डाउनलोडिंग होने के पहले का, कि उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि 5 से 6 GB का आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, अंदर पैच फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी और भी कुछ डे जो मैप्स वगैरह जो भी उसमें फाइट सिक्वेंसेस कुछ ऐसे मतलब टाइप के वो बने हुए इनके फोल्डर, तो आप लोगों को डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या डाउनलोड करना, आप डाउनलोड कर लीजिए एंड खेलेंगे के देख लीजिए इसको। तो दोस्तों, कल इसको मैंने प्री डाउनलोड के लिए पूरा कर लिया था फुल, एंड आज मैंने इसको ओपन किया जब 5 बजे मैंने इसको आज ओपन किया था इसको जब ये लॉन्च हो गया था। तो दोस्तों, इसको मैंने स्टार्ट किया तो ये खुल गया था, एंड मैंने इसका सर्वर एशिया रखा हुआ है अभी यहाँ पे, देख लीजिए आप। और अगर इसके अब हम और बात करें जैसे इसकी सेटिंग वेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इसमें आप लोग जो ग्राफिक हैं वो भी आप लोगों को शानदार देखने को मिलने वाले हैं, अल्ट्रा HD भी देखने को मिलेंगे, मीडियम हाई लो, आपको जैसी सेटिंग करनी है, आप लोगों ने जैसे PUBG में की होगी वैसे ही आप लोग इसमें भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें मोड दिए गए हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको मैं कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिले हैं। और भी सारी जो सेटिंग्स है वो आप लोग इसमें जाकर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगे हैं। अब अगर इसके ग्राफिक के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो वो भी काफ़ी अच्छे ग्राफिक हैं इसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने जब इसको खेलना स्टार्ट किया था तब ये मेंटेनेंस आ गया था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसी मेंटेनेंस देखने को मुझे मिल रही थी, तो मैं इसको ज़्यादा खेल नहीं पाया इसके गेम को, लेकिन इसका जो प्राइमरी सेक्शन है वो मैंने थोड़ा सा देखा था। इसका गेम प्ले टाइप का था जिसमें कन्वर्जेशन टाइप का कुछ 1 घंटे का आप लोगों का चलेगा, जिसमें सारे सुपर हीरो अपना इंट्रोडक्शन टाइप का देंगे, उसमें आप लोगों को उनके फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे एंड उनका थोड़ा थोड़ा सा गेम प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वही मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया एंड आप लोगों को बताया कैसा मुझे लगा है एंड कैसे इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों को बताता हूँ एक एक करके। तो दोस्तों, हमारा गेम फाइनली थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, एंड आप लोगों को मैं बताऊं, अगर तो मैंने इसके वीडियो YouTube पर ऑलरेडी देख चुके हैं इसके गेम प्ले के, एंड मतलब 1 या 2 महीने पहले से इसके वीडियो अपलोडेड हो रहे थे। अब वो पता नहीं PC के या फिर iOS के या फिर पता नहीं कहां पर इसको बेटा जो टेस्ट हुआ था वहां पे वो वीडियोस किसी ने उठाकर डाल दिए हैं, तो वही वीडियो हमें देखने को मिलते हैं एंड वैसे ही गेम प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन यानी कि जो एक्सप्लोरेशन है की बात करूँ तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, वो क्योंकि गेम प्ले जो हमने देखे हैं वो काफ़ी कम है और जो रियल गेम प्ले है वो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ओपन वर्ल्ड है, आप लोगों को तो पता ही, पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को कहीं भी जाने का मौका मिलेगा, बहुत सारे रीजन्स में डाले गए हैं, तो काफ़ी अच्छा गेम है। इसके ग्राफिक के मामले में अगर बात करें तो वो भी अच्छे ग्राफिक, अगर इनकी बात करने की अगर मतलब आप देखेंगे लिपसिंग भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी आप लोगों को, ऐसा नहीं लगेगा कि डबिंग हुई है, तो वो भी आप लोगों को अच्छे लगने वाले हैं। एंड इनके अगर कैरेक्टर डिज़ाइन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, इनके कॉस्ट्यूम की हो गई या फिर इनके कोरियोग्राफी से लेके आपके जो इनके आइकॉनिक म्यूजिक दिए हैं वो तक यार ऑसम है, मतलब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट में आप लोगों को बताऊं तो 3 GB से ज़्यादा रैम वाले फ़ोन वाले इसको इनको खेल सकते हैं। अभी मैंने 2 GB रैम वाले फ़ोन को इसमें यूज नहीं किया है, 3 GB रैम वाले फ़ोन को मैं यूज कर चुका हूँ सैमसंग गैलेक्सी के, तो उसमें चल रहा था, उसमें कोई बग तो नहीं आ रहा था ना कोई लैग वैग हुआ है। तो एंड दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके आगे, मुझे थोड़े से इसमें लैग्स दिखाई दिए हैं अपने जो गेम प्ले में, आप देख सकते हैं मेरे गेम प्ले में, आप लोग कहीं कहीं माइनर गेम प्ले में जैसे आप फाइट करते हैं किसी से या फिर जैसे आप कोई स्पेल या फिर कोई पावर यूज करते हैं तब आप लोगों को थोड़े से बग्स देखने को मिलते हैं इसमें, या फिर जो डैमेज वैमेज है वो भी थोड़ा कम दिया है लोगों ने, मतलब आप लोगों को एक एनिमी को मारने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो थोड़ा मुझे लगा कि लूज पॉइंट है, क्योंकि बाकी अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो आपकी हेल्थ इसमें हील होती रहेगी मतलब, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिलेगी। बाकी थोड़ा सा है माइनर कहीं पर लैग या बग्स वो तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी गेम आया है, अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे जो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करते जाएंगे इनके डेवलपर। एंड बाकी ओवरऑल गेम का अच्छा है, आप लोग खेल सकते हैं, एंड जो भी आगे 2 GB रैम फोन वाले खेल पाएंगे कि नहीं वो मैं वीडियो जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा। एंड आप लोगों को और भी बताऊँ तो इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इनकी जो गेम प्ले स्टोरी वो काफ़ी मिलती जुलती है मूवीज से, एंड इनके जो बोलने का अंदाज़ है जो थोड़े थोड़े से जो इन लोगों ने डायलॉग रखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे रखे हैं।
तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए गेम प्ले इसका ऐसा है ओवरऑल। मैं इसके ज़्यादा गेम प्ले की वीडियो नहीं डालने वाला हूँ क्योंकि मैं गेम प्ले ज़्यादा खेलना पसंद नहीं करता हूँ, तो इसके वॉक थ्रू की वीडियो मैं नहीं डालने वाला हूँ आप लोगों को। बस मैं स्टोरी मोड समझा सकता हूँ, आप लोग बता देना कौन सी मतलब स्टोरी आप लोग समझ रही, कौन सा मतलब गेम प्ले इसके अंदर कौन सा फाइट सिक्वेंस अच्छा लग रहा है, तो वो उसका मैं अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो वो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों को ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं इसके गेम प्ले नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि ओवरऑल मुझे एक या दो घंटे का गेम प्ले इसका डालना पड़ेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम भी जाएगा और कोई शायद देखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है। अब वो टाइम चला गया कि लोग पूरा गेम प्ले देख लेते थे अब, लेकिन खेलना पसंद ज़्यादा करते हैं देखने से। तो आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा आप लोगों को स्टोरी मोड अच्छा लगा, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत वीडियो बना सकता हूँ। बाकी अगर रिव्यू की बात करूँ तो गेम खेलना जरूर चाहिए क्योंकि 1 मिलियन से ज़्यादा इसको डाउनलोड कर चुकी है पब्लिक एंड काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। एंड मार्बल का गेम है एंड काफ़ी अच्छा गेम है, लोगों ने बनाया है। इससे जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है या फिर जो उसके मुझे जो जो इसमें अच्छा लगा है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इनके जो कैरेक्टर हैं, इनके बोलने का तरीका और जो भी इनके मूव्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे फाइट सीक्वेंसेस में देखने को मिल रही हैं एंड काफ़ी जो आइकॉनिक सुपर विलन्स हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो इसमें ट्रेलर में अभी तक नहीं दिखाए गए थे वो भी, जैसे रेड गॉल्विन, ग्रीन गॉल्विन, ऐसे काफ़ी मार्वल के जो पुराने मूवीज़ के कैरेक्टर हैं विलन्स सुपर विलन वो भी देखने को मिलेंगे, और जो सुपर हीरो नहीं दिखाए गए हैं ट्रेलर में वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इनके बाद सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें मल्टीवर्स भी देखने को मिलेगा, आप लोग कई डायमेंशन के सुपर हीरो आप लोग इसमें देख सकते हैं। एक कैप्टन अमेरिका, दो कैप्टन अमेरिका, ऐसे कई कैप्टन अमेरिका देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को, एंड उनके जो सुपर विलन हैं वो भी आप लोग उनके मल्टीवर्स में देखने को मिलेंगे। तो अभी तो मेरा गेम प्ले पूरा चला नहीं है, मतलब आयरन मैन की एंट्री होने के बाद एक कट जाएगा एंड इसके बाद जो डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, इसके बाद स्पाइडरमैन की एंट्री भी बाकी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा इसके बाद गेम चलना बंद हो गया था, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ गई थी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं तक बना रहा हूँ दोस्तों, तो चलिए इसको वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं दोस्तों। तो एंड आप लोग लाइक जरूर कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि 90 से 98% तक नॉट सब्सक्राइबर वाले बंदे ही वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ यार ऐसा मत किया करो यार, वीडियो को देख लिया है तो फिर सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, एक बात बोलने वाली नहीं है, आप लोग खुद समझदार है यार। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो अच्छी रहेगी या डीसी के बारे में, इनकेस ऑफ आपको कोई प्रॉब्लम आती तो बनाएंगे इस पर ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी या, स्टे ट्यून्ड।